हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगोड़े या मूंग दाल के पकोड़े, जिसके लिए हमने लिया है ये 1 कप मैंने मूंग दाल ली है, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के लिया है। ये धनिया है जिसे मैंने कोर्सली ग्राइंड करके लिया है। हरी मिर्च का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। ये 1 टीस्पून मैंने जीरा भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। स्वाद अनुसार हमें नमक लगेगा, जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये कुछ धनिया पत्ती है जो हमें मूंगोड़े के लिए लगेगी। तो पहले हम ये मूंग दाल को मिक्सी के इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। मूंग दाल हम मिक्सर में डाल रहे हैं ग्राइंड करने के लिए। आधी मैंने ली है पहले। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पानी में हमने इसे 3 घंटे के लिए भिगो लिया है, इसलिए इसे ऐसे ही ग्राइंड करना है। ये बाकी बचा हुआ दाल मैंने मिक्सी के बर्तन में डाला है। ये ग्रीन चिली है और ये जिंजर गार्लिक है। ये हम इसके साथ में ही पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मूंग दाल को कोर्सली ग्राइंड करके लिया है। अब हम सभी चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं। ये नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर है और ये धनिया 1 टीस्पून मैंने कोर्सली ग्राइंड करके लिया है। ये धनिया पत्ती है। मैं पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सभी चीज़ों को, और थोड़ा सा हमें इसे फेंटना है ताकि हमारे मूंगोड़े बहुत अच्छे और सॉफ्ट बने। हम धनिया पत्ती इसमें ऐड कर देते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल हमने गरम करने के लिए रखा है। हम चेक करते हैं ऑयल गरम हो चुका है क्या। ऑयल गरम हो चुका है। हम उसमें हाथ से ही मूंगोड़े डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मूंग दाल के पकौड़े एकदम क्रिस्पी और हल्के बने हैं, इसलिए ऑयल के ऊपर आ गए हैं। अभी इसे हमें और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मूंग दाल के पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम बाकी के पकोड़े भी फ्राई करने के लिए डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मूंग दाल के पकोड़े फ्राई हो चुके। एकदम अच्छा कलर आया है उसको, जो हम निकाल लेते हैं। और हमारे सभी पकोड़े फ्राई होके बन चुके हैं। हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मूंग दाल के पकोड़े मूंगोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।